नर्मदा जिला में फिलहाल चल रही वैसी पवित्र पंचकोशी परिक्रमा के तहत जिला कलेक्टर श्वेता तेवतिया द्वारा जिला कलेक्टर सहित आज काफिलों के साथ रेंगण गांव स्थित मुलाकात की गई। तो वहीं कलेक्टर की विशेष उपस्थिति और मुलाकात की थोड़ी ही देर के बाद यहां पर समस्या और परेशानी पैदा हुई थी। नर्मदा जिला में फिलहाल पवित्र मानी जाती वैसी नर्मदा मैया की उत्तर वाहिनी पंचकोशी परिक्रमा चल रही है, जिसे मनाने के लिए समग्र राज्य और देश भर से श्रद्धालु लोग यहां पर आगमन करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। जो ये परिक्रमा एक विशेष पर्व के तौर पर मनाने के तहत छुट्टी के दिनों में श्रद्धालुओं की तादाद में भी बढ़ावा हो रहा है। ऐसे में आज जिला कलेक्टर श्वेता तेवतिया की आगेवानी के तहत नर्मदा नदी जहां से श्रद्धालुओं की बोट के जरिए गुजरती वैसी परिक्रमा पूर्ण होती है, वैसे रेंगण गांव स्थित आगमन करते हुए तमाम व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए आवागमन करती वैसी जेटी का निरीक्षण किया गया। बोट में स्वयं बैठने के साथ उनके द्वारा ये सफर मनाई गई थी। पहले ही जिला कलेक्टर द्वारा स्थल की मुलाकात पर वे पहले आगमन कर चुके हैं। ऐसे में यहां पर सब सही सलामत और ठीक होने की भी गुलबांगे पुकारी गई थी, लेकिन थोड़े ही वक्त बीतने के बाद यहां पर परिक्रमा कर रहे वैसे यात्रालुओं को काफी परेशानियां भुगतने की अब नौबत आन पड़ी है। जिला कलेक्टर की दूसरी मुलाकात मानो सिर्फ दिखावी बनी हो, वैसे अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। जिला कलेक्टर जिला वहीवटी तंत्र की टीम ने पूरा गांव से तिलकवाड़ा तालुका के रेंगण घाट पर बोट के जरिए नदी पार कर प्रवासियों की व्यवस्था में विविध विभाग के अधिकारी तथा सुरक्षा व्यवस्था की कामगिरी संभाल रहे वैसे पुलिस विभाग के अधिकारी और अन्य लोगों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की थी और तमाम परिक्रमा के बारे में व्यवस्था के बारे में तमाम जानकारी का ताग लेते हुए निरीक्षण और समीक्षा की गई। ऐसे में सब सही सलामत होने की गुलबांगों के बीच मुलाकात के थोड़े ही वक्त में यहां पर से गुजरते वैसे परिक्रमा वासियों को यानी कि श्रद्धालु लोगों को काफी अच्छी परेशानी भुगतनी पड़ी। जहां ये मुलाकात और कामगिरी मानो एक दिखावी साबित हुई हो, वैसे यहां पर श्रद्धालुओं के लिए ना ही कोई बैठक व्यवस्था है और ना ही उनके लिए कोई मंडप बनाए गए। पीने के पानी की भी सही व्यवस्था नहीं उपलब्ध करवाई गई। प्राथमिक इलाज के लिए जरूरी स्थल पर उपलब्ध हो वैसे सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिला कलेक्टर श्वेता तेवतिया द्वारा ताकीद की गई थी। ऐसे में एक बार भी परिक्रमा पर आते वैसे भाविकों को और भी अच्छी सुविधा मिल पा सके वैसी आस बढ़ी है। આપણે બધા અહીંયા નર્મદા કિનારે રેંગણ ઘાટ ઉપર ઉપસ્થિત છીએ અને મારા સાથે મારી આખી ટીમ જેમાં એસપી શ્રી, ડીડીઓ શ્રી, મારા પ્રાંત શ્રી, ડીવાયએસપી શ્રી અને બધી જે ટીમ છે નીચે સુધીના લોકો બધા અહીંયા ભેગા થયા છે। અમારી ઈચ્છા છે કે આપણા નર્મદા પરિક્રમાના ભાવિકો જે આવે તો એમના માટે સુચારું એક આયોજન થાય, જેના માટે અમે સુવિધાઓ એ ઊભા કરીશું અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ હયાત સુવિધાઓ છે આને પણ થોડું સ્ટ્રોંગ અમે કરીશું। તો સૌથી પહેલાં તો અહીંયા 5 જેટીસ બનાવવામાં આવી રહી છે, બોટ્સની સંખ્યા વધારવામાં આવી રહી છે, સાથે હોલ્ડિંગ પોઈન્ટ્સ અને એ ફરાસખાનાઓ પણ અમે સેટઅપ કરી રહ્યા છે તાકી લોકોને ધૂપમાં કોઈ પરેશાની ના થાય। પછી અમારી મેડિકલ ટીમ્સ જે કે શરૂઆતથી ત્યાં છે જ, પર ઓર થોડું આની સંખ્યા અમે વધારી દઈશું। પાણીની વ્યવસ્થા જે કે આના પ્રાઇવેટ લોકો કરી રહ્યા છે, સાથે અમે આશ્રમો સાથે અને અહીંયાના આગેવાનો સાથે પણ સંકલન કરી રહ્યા છે કે જેનાથી અમારા ભાવિકોને કોઈ તકલીફ ના થાય અને સારી રીતે એમની જે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક એમની પરિક્રમા પતી જાય। અમારું તંત્ર સજ્જ એ લોકોની અને ભાવિકોની સેવામાં હાજર રહે છે અને ગઈકાલે પણ જે અવ્યવસ્થા થઈ હતી આને કંટ્રોલ કરવામાં આવ્યું હતું ટાઈમસર।